भाई शॉकिंग न्यूज, अनबिलीवेबल शॉकिंग न्यूज आई है जस्ट अभी। और ये न्यूज ना भाई, मैं ये चाह रही थी कि ये बिल्कुल भी सच ना होता, कसम से। ऐसी कुछ चीजें सुनने में आई थी, और ये कल की बात है कि मैंने जब चेक किया था कि कुछ ऐसा राउंड्स चल रहा है, कुछ ऐसे डिस्कशन चल रहा है, लेकिन यार ये बहुत ही गलत हो गया है, बहुत ही गलत हो गया है। अब तो मतलब जिस फिल्म का सबको बेसब्री से इंतजार था, हम लोग बात कर रहे हैं पुष्पा 2 की। पुष्पा 2 इज पोस्टपोन्ड। What just happened? And ये इसका रीजन पता है क्या बताया जा रहा है? इसका रीजन बताया जा रहा है कि अभी तक शूट कंप्लीट नहीं हुआ है। दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल यार, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। द मोस्ट अवेटेड अल्लू अर्जुन एक्शन एंटरटेनर इज नॉट रिलीजिंग ऑन 15th of August एनी मोर। डिलेड बिकॉज द शूटिंग इज स्टिल नॉट कंप्लीटेड। भाई यार क्या करते हो यार, किस तरीके की ये सॉन्ग्स निकाले थे, बार बार पोस्टर्स निकाले थे, एक रीकन्फर्मेशन बार बार रीअश्योरेंस ऑडियंस को मिला था हम सबको कि भाई 15 अगस्त तो सेट है, 15 अगस्त को तो पुष्पा आनी है और मजे आएंगे भाई, मूवी देखने जाएंगे सबके साथ और एंजॉय करेंगे। कब से इंतजार था पुष्पा का, मतलब भाई यार ये बहुत हार्ट ब्रेकिंग है, ये बहुत हार्ट ब्रेकिंग है। बहुत सारी उम्मीदें थी, और पता है अब जब टाइम इतना नजदीक आ गया कि जून का मंथ चल रहा है, तब जाकर ऐसी न्यूज आ रही है दैट द फिल्म इज पोस्टपोन बिकॉज ऑफ द शूट। व्हाट वाज हैपनिंग व्हेन द सॉन्ग्स वर रिलीज्ड? सॉन्ग्स रिलीज में बार बार वो लिख करके आना कि 15 अगस्त को फिल्म रिलीज हो रही है। दिस शोज अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट आर हैपनिंग अंडर द रैप्स। मतलब ऐसी बहुत सी चीजें हैं अंडर करंट्स जो कि अब धीरे धीरे निकल करके आ रहे हैं। देखो सुकुमार एक ऐसे डायरेक्टर हैं जो कि हाफ बेक चीजें कभी करते नहीं है, दिल से करते हैं हर चीज को। उनकी पिछली जितनी भी फिल्में हैं वो एक से बढ़कर एक से बढ़कर एक रही हैं। और अगर हम पुष्पा की ही बात करें तो लास्ट पुष्पा, पुष्पा 1 जो सबने देखी थी, उसके बाद तो क्रेज बहुत बढ़ गया था। और पता है किसी को इस बात की उम्मीद नहीं थी कि ये फिल्म जिसके गाने आ गए हैं, दो दो गाने आ गए हैं और इतने बेहतरीन वो गाने, पुष्पा पुष्पा उस पे रील्स बन रहे हैं यार। दिस इज लाइक अ धोखा, ये धोखा हो चुका है ऑडियंस के साथ। ये बिल्कुल चीटेड सा फील हो रहा है मुझे, बिकॉज पता है मूड खराब हो गया है बुरी तरीके से। कितना बढ़िया हम लोगों ने सोचा था कि अपना ठीक है साउथ की फिल्मों का टाइम है ये 2024 जो है साल, ये साउथ की फिल्मों का टाइम है। इस टाइम पे अगर हम ये मान के चलते कि भाई फिल्में जो हैं वो आएंगी, हमको एंटरटेन करेंगी, ऐसा करेंगी वैसा करेंगी, वो सब चीजें हो रही हैं होंगी, मगर उसने इतना फेर बदल। कल देवरा का हमने सुना प्रीपोन हो रही है देवरा, फिर गेम चेंजर की डेट चेंज हो गई, अब पुष्पा की डेट चेंज हो गई। यार ये क्या खेल लगा करके रखा हुआ है? व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस हैपनिंग? पुष्पा इज नॉट समथिंग जिससे, जिस ब्रांड से इतना मजाक किया जा सके, इस तरीके की नेग्लिजेंस की जा सके। अगर यार शूट ही कंप्लीट नहीं था तो पहले शूट कंप्लीट करते, उसके बाद गाने निकालते, उसके बाद डेट्स बताते। ये क्या कहां से निकल के आ गया सडनली कि शूट कंप्लीट नहीं हुआ है? एंड बार बार रीअश्योरेंस मिल रहे हैं लोगों को, जनता को, कि भाई फिल्म आ रही है 15 अगस्त को आ रही है। मतलब इट्स लाइक अ लॉलीपॉप, ठीक है 15 अगस्त को फिल्म आ रही है, हाँ बेटा आ रही है आ रही है। और उसके बाद सडनली जैसे ही जून का महीना आया तो टेंशन इतनी बिल्डअप हो गई कि फिल्म ही आपने पोस्टपोन कर दी। ये कैसे, ये क्यों, इसका कोई रीजन, कोई ऑफिशियल रीजन जो है वो नहीं आया अभी तक। लेकिन हाँ जो ऑफिशियल ही कह सकते हो इसको, जहां से न्यूज हम लोग लेते हैं पढ़ते हैं, वो बताते हैं भाई सब जगह आ चुकी है, इट्स एवरीवेयर नाउ, इट्स ऑफिशियल दैट पुष्पा इज पोस्टपोन्ड। दिस इज वेरी हार्ट ब्रेकिंग। अब इस खबर के पीछे क्या हम एक बार कोई क्लैरिफिकेशन एक्सपेक्ट कर सकते हैं फ्रॉम द टीम ऑफ पुष्पा? वेल वी डोंट नो। एक लंबा सा आर्टिकल आया, प्लीज जरा ध्यान से सुनना। सुकुमार एंड हिज टीम हैव रीडिजाइन सम ऑफ द एपिसोड्स एंड दे आर शॉट अगेन रिसेंटली। द फिल्म्स लीड एंटागनिस्ट फहाद फासिल एलोकेटेड डेट्स रिसेंटली एंड द फिल्मिंग ऑफ हिज पोर्शंस आर करंटली हैपनिंग। द फिल्म्स एडिटर कार्तिका श्रीनिवास वॉकड आउट ऑफ द प्रोजेक्ट एंड नवीन नूली इज बिजी विद द एडिट कट। भाई क्या हो रहा है, मजाक चल रहा है क्या? सुकुमार इज नॉट कन्विंस्ड विद द VFX वर्क एंड इट विल टेक लॉन्गर टाइम फॉर देम टू बी कंप्लीटेड, दैट्स फाइन। सी एज अ फैन हम भी ये चाहते हैं कि प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, लेकिन टीम वॉकआउट कर जा रही है, कोई वॉकआउट कर जा रहा है, दूसरा कोई और बंदा जो है, नवीन नूली इज बिजी विद द एडिट कट, ये क्या बात हुई भैया? ठीक है, एंड इट विल टेक लॉन्गर टाइम फॉर देम टू बी कम्प्लीटेड एज पर द शेड्यूल। द शूट ऑफ पुष्पा 2 द रूल द विल टेक प्लेस टिल द एंड ऑफ जुलाई। अब सुनो और भी इसमें इंफॉर्मेशन है, एंड ऑफ जुलाई तक इसका जो शूट है चलने वाला है। इट विल बी कम्प्लीटली इम्पॉसिबल फॉर पुष्पा 2 टू हिट द स्क्रीन एज पर द शेड्यूल ऑन August 15। द मेकर्स आर माउंटिंग प्रेशर ऑन सुकुमार बट द फिल्म मे मिस द अनाउंस डेट। अल्लू अर्जुन 2 वॉन्ट्स द टीम टू वर्क राउंड द क्लॉक एंड कम्प्लीट द वर्क ऑन टाइम बट फॉर नाउ इट इज नॉट पॉसिबल फॉर पुष्पा 2 टू हिट द स्क्रीन्स एज पर द प्लान। दिस इज नॉट डन। चलो अब जो भी है सच्चाई है, स्वीकार करनी पड़ेगी, पुष्पा 2 पोस्टपोन्ड। आई एम वेरी स्केर्ड नाउ, आई एम वेरी स्केर्ड दैट दिस फिल्म माइट जस्ट नॉट, मतलब मैं अपने मुंह से नहीं बोलना चाह रही हूँ, लेकिन कुछ ऐसी अनहोनी ना हो जाए कि हमें कभी पुष्पा 2 देखने को ना मिले।
ऐसा यहाँ पर होता हुआ लग रहा है, टीम में आपस में कोई समीकरण नहीं बैठ रहा है, कोई वॉकआउट कर जा रहा है। पुष्पा के मेकर्स जो हैं वो सुकुमार के ऊपर प्रेशर बना रहे हैं कि इस फिल्म की इसको जल्दी कंप्लीट करो, जल्दी कंप्लीट करो, जल्दी कंप्लीट करो। अल्लू अर्जुन भी शायद मेरे ख्याल से चाह रहे हैं कि राउंड द क्लॉक काम हो और टाइम से जो 15 अगस्त की जो डेट है उस पर आ जाए, पर पॉसिबल नहीं है। जुलाई तक, एंड के जुलाई तक शूट चलेगा, तो 15 तारीख को, 15 अगस्त को फिल्म कैसे आ जाएगी यार, नहीं आ सकती। दिस इज स्कैरी, दिस इज अ वेरी स्कैरी सिचुएशन, लेट्स सी क्या होता है आगे चल के। बट ये धक्का था, ये काफी बड़ा धक्का था जो अभी सबको लग के चुका है। अब देखते हैं क्या होता है, टाइम के साथ पता चलेगा। लेकिन आपको क्या कुछ लगता है इस न्यूज़ पर, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बाकी लाइक दिस वीडियो, गिव इट थम्स अप, डोंट फॉरगेट टू शेयर इट, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। जस्ट वन स्टार फाइन।